नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह का लंच तैयार हो गया है और लंच में बनाया मैंने आलू मेथी। और आजकल तो हरी सब्जियों का सीज़न चल रहा है तो मुझे हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आलू मेथी बना लिया है। मैंने आलू और मेथी लेके आई थी, रखा हुआ था, मैंने साफ़ करके रखा हुआ था फ्रिज में। और पहले गोभी सब्जी बनाई थी, शनिवार को लेके आई थी, तो गोभी बना लिया, उसके बाद मेथी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज आलू मेथी बना लेते हैं। काफ़ी दिन हो गया है, बना भी नहीं था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आलू मेथी। और मेरे को आलू मेथी के साथ चावल अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए बाद में गर्मा गर्म जो खाना होगा दोपहर में, तो मैं चावल भी बना लूँगी। अभी यहाँ पर लंच पैक करना है मुझे, तो इसलिए मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। और आजकल हरी सब्जियों का सीज़न इतना चल रहा है कि मुझे हरी सब्जियां खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटियाँ बन गई थी, मैंने हस्बैंड को फ्री कर दिया, वो चले गए हैं जॉब के लिए और बेटी भी जा चुकी है। और ठंड इतनी बढ़ गई है और अब तो कई दिनों से काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो इसी वजह से कई दिन से सोच रही हूँ, पर आजकल करते हुए बेडशीट चेंज नहीं कर पा रही थी, तो मैंने आज सोचा इसको मैं ये काम ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि रह जाता है। तो यहाँ पे मैं गरम वुलन बेडशीट बिछाऊंगी और कॉटन में अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, तो मैं सोचा कि बिछाने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम किसी काम में हाथ लगाते हैं तो लगे हाथ दूसरा काम भी हो जाता है, नहीं तो फिर वो पड़ा ही रह जाता है। तो ये ऑरेंज कलर की है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे इतनी पसंद आई है। पिछले साल मैंने लिया था, घर पे ही फेरी वाले आते हैं ना, तो उन्हीं से मैंने लिया था और बहुत अच्छा कवर है इसका। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दिया है और झाड़ू भी लग गया है, सिर्फ पोछा रह गया है। तो मैंने सोचा पहले बेड को सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी और अभी नहाना है मुझे। तो सब कुछ ठीक है इसका, बस थोड़ी सी तकिया कवर छोटी है, मतलब छोटी नहीं है, मेरी जो तकिया है वही बड़ी है, और इसका जो इसमें चैन नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें चैन लगा दूँ या बटन लगा दूँ, जिसकी वजह से तकिया दिखा अंदर की जो तकिया है ना वो दिखाई ना दे, कई बार ओपन हो जाती है और बीच में से। तो इसको मैं देखूंगी इसमें मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास चैन एक्स्ट्रा पड़ी होगी तो मैं इसमें चैन लगाऊंगी, बहुत ही अच्छा हो जाता है, और नहीं तो फिर मैं बटन लगा दूंगी। तो यहाँ पे बिछा दिया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक कमरे का जो लुक है ना, हमारे बेडशीट से कोई भी बेडशीट हो अगर कलर अच्छा है तो उससे कमरे का जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाता है। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोरो प्लस, आप लोग बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे और कुछ लोग तो इसको यूज भी करते होंगे। तो मैंने पहले यूज करती थी, मैंने बंद कर दिया था गर्मियों में, तो ठंडी के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। अगर मेरी तरह ओवर ड्राई स्किन है आपकी और कोई अच्छा क्रीम चाहते हैं जो मॉइस्चर से भरा हो और आपके स्किन में कोई हार्म ना पहुंचाए, तो आप बोरो प्लस के साथ जा सकते हैं। मैं एक महीना से यूज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है। मेरे हाथ और पैर और होंठ इतने फट गए थे क्योंकि मैं ठंडे पानी में काम करती हूँ और हाथों से बर्तन हमेशा दिन भर कई बार हमें धोना ही पड़ता है, और कपड़े भी मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो इतनी फट गई थी मेरी एड़ियाँ और हाथ इतने फट गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और मैंने बहुत सी क्रीम लगाई पर उसका मॉइस्चर ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद ही हम हाथ धोते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। पर बोरो प्लस के साथ ऐसा नहीं, इसको आप एक बार लगा लोगे तो जब तक आप साबुन नहीं लगाओगे हाथ में या फिर कोई ऐसा काम नहीं करोगे, जब तक इसकी नमी बनी रहती है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, आप इसको लगाने के बाद पूरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। तो आपको रात को सोते समय अगर आप सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप इसको लगाइए और सो जाइए, और कितनी भी फटी एड़ियाँ हैं आपकी एड़ी में और आप होठों पे, आपकी स्किन पे कहीं भी कट भी जाता है, चोट भी लग जाती है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत पुरानी क्रीम है ये और मेरी मम्मी भी यूज करती थी, मतलब मुझसे इससे ज़्यादा अच्छी क्रीम मुझे कोई लगी नहीं,
क्योंकि 24 घंटे तक इसका मॉइस्चर बना रहता है और धीरे धीरे करके आपकी स्किन लाइटनिंग भी हो जाती है। मैं इसको लगा रही हूँ, मैंने इसे तो मुझे अपने चेहरे में और हाथ में और एड़ियों में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है। मेरी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं और मैं बर्तन धोने के बाद और कपड़े धोने के बाद मैं इसको लगाती हूँ और नहाने के बाद में इसको अपने हाथों में और चेहरे पर भी लगाती हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल बेडशीट बिछे काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर में एक अलग सा कलर आ गया है। और मैं नहा के आई थी ना तो मैंने हीटर चालू किया था थोड़ा सा, और ये देखो थोड़ी थोड़ी धूप है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी वाली ठंडी हवा चल रही है। और जो सामने का पेड़ है ना उसी कटाई कर दी है, क्योंकि धूप नहीं आ पा रही थी तो उसी कटाई कर दी है। यहाँ पर मैं दलिया भून रही हूँ और दलिया ख़त्म हो गया था, तो मुझे मीठा भी पसंद है और नमकीन भी पसंद है, तो घी में बहुत कम बन पाता है। तो ज़्यादा ही स्पेशल कभी बनाना होता है तो मैं घी में भून के और उसमें अच्छे से दूध वगैरह काजू बादाम वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो इसको मैं भून के और डिब्बे में रखती हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि जल्दबाजी सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है, फटाफट इतना सारा भूनने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसको भून के रख रही हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी और आज बनाने वाली हूँ दलिया और पनीर पुलाव। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साइड दलिया भून रही थी मैं और मैं लेट भी हो रही थी, प्रिया को लंच भी देना था और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, कोई साग नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आलू और टमाटर और प्याज थे। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं उसको लंच में क्या बना के दूँ, क्योंकि उसको खांसी भी हो रही थी और जुकाम भी हो रही थी। पराठे बिल्कुल भी देने का मन नहीं था, नहीं तो मैं आलू के पराठे ही बना लेती, पर ऑयली उसको बिल्कुल देने का मन नहीं था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो दलिया था तो मेरे माइंड में आया और थोड़ा सा पनीर भी ले आए थे हस्बैंड, क्योंकि आजकल काफ़ी फ्री का पनीर आ रहा है तो मौज आ रही है। पनीर ही पनीर हो रहा है, कभी भुर्जी बन रही है, कभी पनीर ऐसे ही फ्राई करके खा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ड्यूटी करते हैं वहाँ पे पनीर बनता है तो फिर वो लेते आते हैं। तो थोड़ा पनीर रखा हुआ था 100 ग्राम के करीब, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा बना तो ठीक, ना अच्छा बना तो ठीक, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, हर रोज़ हमें कुछ नया नया सीखने को मिलता ही है। तो मैं यहाँ पे पनीर और दलिया पुलाव बना रही हूँ और संजोग से बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का ऑयल और सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। बिना फ्राई पनीर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके अंदर कच्चा कच्चा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को फ्राई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मसाले में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, जो हमारे सब्ज़ी में मसाले जाते हैं वहीं पे लिया है, वही चीज़ लिया है मैंने। और फ्राई करने के बाद मैं उसी तेल के अंदर जीरा हींग का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद मैं प्याज ऐड करूंगी और प्याज को हम गोल्डन तक भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि पुलाव है, पुलाव में ज़्यादा भुना हुआ प्याज अच्छा नहीं लगता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो भूनने के बाद मैं यहाँ टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर में मैंने 2 मिर्ची भी ले ली है, काट के बारीक काट सकते हैं आप, उसको थोड़ा मोटा मोटा काट सकते हैं कि अगर पसंद ना हो किसी को तो वो निकाल सके। और मैंने यहाँ पनीर भून के रखा हुआ है साइड में, तो बेटी बार बार आके उसमें से पनीर खा रही है, क्योंकि उसको फ्राई पनीर काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो वेट कर रही है कि मेरी चोटी भी बना दो, देख सकते हैं बीच में लेके जाती है और फिर खा लेती है, फिर उसके बाद आती है फिर लेके जाती है। तो उसको इस तरह के किचन में आना जाना मेरे सब पास अच्छा लगता रहता है। उसकी चोटी भी बनानी है मुझे, तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है। मसाले में मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गर्म मसाला, और आप इसमें चाट मसाला भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दलिया है उसको मैंने 1/2 घंटा पहले ही भिगो दिया था, तो फूल जाने के बाद ये बिल्कुल पुलाव जैसे खिले खिले बन जाते हैं। अगर आप इसको पानी में भिगो के नहीं रखेंगे तो ये खिले खिले नहीं बनेंगे, खिचड़ी की तरह बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये खिले खिले बने तो इसको आप 1/2 घंटा पानी में भिगो के धो के छोड़ दें ऐसे ही, उसके बाद आप बाकी रेसिपी की तैयारी कर लें। जब तक ये फूल जाएगा फिर बनाना शुरू कीजिए। और मैंने यहाँ दलिया डाल दिया है, पनीर को भी डाल दिया है, उसको अच्छे से मिलाने के बाद 2-3 मिनट ऐसे ही भुनेंगे बिना पानी के। भुनने के बाद मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों के हिसाब से 2 गिलास पानी भर के डाल दिया है। इसमें क्या है, इतने पानी में ये चावल की तरह बन जाएंगे खिले खिले। अगर आप ज़्यादा गीला पसंद करते हैं तो इसमें आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी की तरह बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सीटी लगाने के लिए गैस तेज़ कर दिया है और कुकर का जो ढक्कन है लगा दिया है, और 2 सीटी में मैं गैस ऑफ कर दूंगी। 2 सीटी में बहुत अच्छे से बन जाएंगे।
एक तो काफ़ी हेल्दी है और ये टेस्टी से भरा हुआ है और विटामिन से भरा हुआ है। तो पनीर है और दलिया है और देखने में शायद ही इतना अच्छा ना लग रहा हो पर खाने में और शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इसको नाश्ते में ज़रूर शामिल कीजिए। देख सकते हैं पनीर दिख रहे हैं और हरी धनिया डाला था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, इसलिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैंने मिक्स कर दिया और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है बुधवार और टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। हस्बैंड जा चुके हैं, बेटी भी स्कूल जा चुकी है और आज नाश्ता मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है, बहुत खास बनाया है। तो सिंपल सी रेसिपी पर बहुत ही अच्छी बनी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बना के, क्योंकि पहली बार बनाया है और कोई चीज़ पहली बार बन जाती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने नमकीन दलिया बनाया है और उसमें मैंने पनीर डाल दिया है। जैसे हम चावल के पुलाव बनाते हैं पनीर पुलाव, सेम ऐसे ही मैंने दलिया में दलिया के अंदर सेम चावल की जगह दलिया को यूज किया है और उसमें मैंने पनीर डाल के बनाया है। बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, टेस्टी बना था और एक हेल्दी और पौष्टिक से भरा हुआ नाश्ता था। तो हस्बैंड को भी वही लंच में दिया है और टिफ़िन में, और बेटी को भी टिफ़िन में मैंने वही दिया है। और मैं कंघा करके बैठी हूँ, काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है सर्दियों में, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग जनवरी तक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और नीचे से काफ़ी पतली चोटी होने लग गई है। और मैं अभी ऑयलिंग करूँगी बालों में, थोड़ा सा तेल लगा के, और फिर बालों को धोऊँगी, 2 घंटा रखूँगी। और अभी बाकी का काम पड़ा हुआ है तो 2 दिन से ब्लॉग कंटिन्यू था तो मैंने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। और तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मिलती हूँ एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।